लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में फूड पॉइजनिंग होने के लक्षण, कारण और बचाव के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां आपको बता रहा हूं। अगर हमारे ये वीडियो आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% में गारंटी देता हूँ आपको फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कोई व्यक्ति असंतुलित आहार का सेवन करता है तो उसे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। बता दें कि इसके कारण व्यक्ति को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इसके लक्षण भी काफ़ी दुखदायक हो सकते हैं। बता दें कि फूड पॉइजनिंग एक संक्रमण रोग है जो भोजन द्वारा शरीर में बैक्टीरिया को पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान फूड पॉइजनिंग हो सकती है? अगर हाँ तो ये कितना सुरक्षित और कितना असुरक्षित है? फूड पॉइजन के लक्षण गर्भवती महिलाओं और आम लोगों में एक जैसे ही होते हैं। वहीं इसके प्रकारों की बात की जाए तो सबसे पहला प्रकार होता है लिस्टेरियोसिस, जो कि कच्ची सब्जी या कच्चा मीट आदि का सेवन करने पर हो सकता है। यह प्रकार डेयरी प्रोडक्ट में भी हो सकता है। बता दें कि ये प्रकार आम लोगों की तुलना में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर दूसरे प्रकार की बात की जाए तो उसका नाम है टॉक्सोप्लास्मोसिस। ये बेहद गंभीर प्रकार में से एक है। बता दें कि जिन लोगों के घर में बिल्ली है उन्हें इस समस्या का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये बिल्ली के मल से फैलने वाली बीमारी उनके कारण इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। इसके कारण ना केवल डिहाइड्रेशन की समस्या होती है बल्कि रक्त की कोशिकाओं में हानिकारक बैक्टीरिया जगह बना लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को ऐसे समय में गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी महिला को फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है तो इसके पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। यदि कोई महिला कच्चे मांस का सेवन करती है तब ये समस्या हो सकती है। जब गर्भवती महिलाएं खाने का सेवन बिना हाथ धोए करती है तब भी ये समस्या हो सकती है। अगर महिलाएं प्यास लगने पर तालाब या कुएं का पानी का सेवन करती हैं या फिर बिना फिल्टर किए पानी का सेवन करें तब भी ये समस्या हो सकती है। खाना बनाते समय थोड़ी सी लापरवाही हानिकारक बैक्टीरिया पैदा कर सकती है जो महिला के पेट में जाकर के फूड पॉइजनिंग की समस्या पैदा कर सकती है। बाजार से लाई गई कच्ची सब्जियों का सेवन सीधे तौर पर करना या बिना धोए करना भी इसे हानिकारक हो सकता है, खासकर गर्भवती महिलाएं कच्ची सब्जियों के सेवन से बचें। गर्भावस्था में फूड पॉइजनिंग के लक्षण। गर्भावस्था के दौरान यदि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो उसमें बिना लक्षण नज़र आ सकते हैं। निम्न लक्षण नज़र आ सकते हैं: महिलाओं के सर में दर्द होना, महिलाओं को शारीरिक कमजोरी महसूस होना, महिलाओं को मतली या उल्टी आना, महिलाओं के पेट में मरोड़ होना, डायरिया की समस्या होना, पेट में तेज दर्द होना। गर्भावस्था में फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव। गर्भवती महिलाएं खाना बनाते वक्त पूरा ध्यान रखें। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। गर्भवती महिलाएं बाजार से आई कच्ची सब्जी का सेवन बिना धोए ना करें। गर्भवती महिलाएं अपने आहार में जरूरी पोषक तत्वों को जोड़ें। अगर मैंने जो लक्षण आपको बताए हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बाहर जाते वक्त तालाब या कुएं का पानी सेवन ना करें। बिना फिल्टर किए हुए पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। डिब्बा बंद या किसी पैकेट के खाने का सेवन ना करें। गर्भावस्था के दौरान दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी में उन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए जिन्हें पचाने में पाचन तंत्र को अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। गर्भावस्था में फूड पॉइजनिंग का इलाज।
बता दें कि जब गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है तो निम्न तरीकों से इलाज किया जा सकता है। इस समस्या में सबसे पहले मुख्य कारण का पता लगाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर मौखिक परीक्षण करते हैं। डॉक्टर परिस्थिति को देखकर बताने कि महिला के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट सही होगा। इसके बाद फूड पॉइजनिंग का पता लगाते हैं। वहीं जैसा कि हमने आप पहले भी आपको बताया कि फूड पॉइजनिंग की समस्या होने पर महिलाओं को दस्त उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इस स्थिति को कम करने के लिए डॉक्टर महिलाओं को भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। वह इनकी डाइट में ORS घोल और सूप आदि को पीने की भी सलाह देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद।